चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदाम ददाति स्वपदांतिगम वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुत पदकमल श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप साग्र जात सह गण लघुनाथ तम सजीव साद्वैतम सवधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपाद सह गण ललिता श्री शाखात नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
एक्चुअली मैं जो भगवद गीता का एक सीरीज दे रहा था उसमें एक क्लास दिया था जो अर्जुन का जो आर्गुमेंट्स था युद्ध नहीं करने के लिए, तो वो क्लास एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो अभी तक तो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दे दूँगा, फिर उसके बाद लाइव उधर अपलोड हो जाएगा। तो क्या क्या अर्जुन ने आर्गूमेंट्स दिए थे युद्ध नहीं करने के लिए पता है? कितना आर्गूमेंट्स दिए थे? 6-7 दे दिए ना। अच्छा 10-12 ऐसे कुछ कितना दिए? 6। तनवीर प्रूफ बहुत सारे वो बोलते रहे और अच्छा तो एक्चुअली 5 आर्गुमेंट दिए, ठीक है 5 आर्गुमेंट दिए अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के लिए। और जो आर्गुमेंट्स हम आज चर्चा करेंगे देखेंगे हमारे लाइफ के साथ भी बहुत सिमिलैरिटी थी। देखिए पहला बात है, कृष्ण ने अर्जुन जब बोले कि कृष्ण को अभी मेरा रथ लेके चलो, मतलब जो युद्ध के अंदर लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है। पहले कृष्ण क्या किए, उनके जो रथ को कहाँ पे लेके गए, जहाँ पे द्रोण और भीष्म पितामह जहाँ पे खड़े थे। तो यहाँ पे कृष्ण ने एक ट्रिक किए कि एक्चुअली वो रथ को लेके दुर्योधन के आगे भी रख सकते थे, लेकिन रखे क्यों द्रोण और ये जो भीष्म पितामह के आगे? हाँ ये वीकनेस था एक्चुअली अर्जुन का। तो हमेशा कृष्ण चाहते हैं जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हमारा जो भी वीकनेस है ना उसके रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर उसी रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा ना हम उससे आगे नहीं जाएंगे। अगर आप बेस में रहेंगे लेकिन फिर भी अभी गर्लफ्रेंड बनाने की आसक्ति है और गर्लफ्रेंड है फिर हम रात को बात करते हैं और मंगलवार नहीं आते बोलते हैं तबीयत खराब है, तो फिर क्या होगा ना, गर्लफ्रेंड तो ब्रेकअप होगा और ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके आपको लगेगा अरे बेकार का चीज़ है यार। ठीक है, तो भगवान हमेशा देखते हैं जिसका जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, या कोई बेस में रहता है लेकिन उसको प्रसाद खाने का बहुत इंटरेस्ट है, मिठाई खाने का, सब खाने का बहुत इंटरेस्ट, तो ऐसा पेट खराब होगा ना उसको उसके बाद पता चल जाएगा अरे जितना प्रसाद लेना था उतना ही लेना चाहिए। या कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है बेस में रह रहे लेकिन उनको बाहर घूमना फिरने का बहुत शौक है, ऐसे बाहर घूमते घूमते कहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, पैर लग गया, ये लग गया, अरे बोले अरे कहाँ घूमना नहीं चाहिए। तो कृष्ण हमेशा जब भक्ति में हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू आवर वीकनेस, वीकनेस के हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब अर्जुन को लेके गए और देखे पर्टिकुलरली द्रोण और भीष्म पितामह को, तो अर्जुन का जो वीकनेस था फिर अभी क्या हुआ, अर्जुन ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स दे रहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो पहला आर्गुमेंट्स अर्जुन क्या दे रहे, कंपैशन, मुझे करुणा है, एक तो मेरा पितामह है और भीष्म पितामह है, फिर द्रोणाचार्य जो है गुरु हैं, और इतना सारा जो लोग है हमारे प्रजा लोग, तो इनके ऊपर मेरा करुणा आ रहा है, तो मुझे एक्चुअली युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करके क्या फ़ायदा मिलेगा, करुणा आ रहा है। तो एक चीज़ में देखेंगे, अगर कृष्ण के अर्जुन के पास ग्रीड नहीं था, ये एक अच्छा साइन है, ग्रीड नहीं था, अगर ग्रीड होता तो फटाफट युद्ध करता और राज्य जीतने के लिए तत्पर हो जाता, ग्रीड नहीं था कि मुझे युद्ध देनी हो जीतना है, ऐसा नहीं था। और कंपैशन जो है अच्छा है लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में अच्छा नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे इनिशियली जब कोई बच्चे को हम बेस में आने के लिए बोलते हैं, अगर आता है संडे प्रोग्राम में ये सब, तो फिर क्या बोलेगा, अरे प्रभु जी मैं जो फ्रेंड सर्कल के साथ रह रहा हूँ, 2 साल से प्रभु जी रह रहा हूँ, 6,000 रेंट हम दे रहे हैं मिलके, उनको कैसे छोड़ के आ सकता हूँ, होता है कि नहीं? होता है कि, तो ये ऐसे ये भी कंपैशन है ना, मेरा फ्रेंड सर्कल है उनको कैसे मैं छोड़ के आ सकता हूँ, उधर संडे को पार्टी होता है, ये होता है, हम मिलके रूम लिए थे, कैसे छोड़ के आ सकते हैं। या कोई व्यक्ति गृहस्थ लाइफ में है कुछ है, वो बोलेगा प्रभु जी भक्ति तो करने के लिए इच्छा है लेकिन इधर आएंगे तो फिर आप तो बताएंगे कि नॉनवेज नहीं खा सकते, लेकिन मेरा पिता माता तो नॉनवेज, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं प्रभु जी, उनका तो आत्मा को चाहता है ना नॉनवेज खाने के लिए, हम ऐसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा व्यक्ति ऐसे भी होता है, किसी का अगर गर्लफ्रेंड है ये है, तो वो सोचेगा अगर मैं भक्ति में आ जाऊँ तो फिर उनको टाइम नहीं दे पाऊँगा, ये जो मतलब एक भरोसा दे दिया ना प्रभु जी, एक बात दे दिया ना कि मैं उनको शादी करूंगा, उसको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, ये कैसे कर सकता हूँ उनके साथ, ये अन्याय, ये इनजस्टिस कैसे कर सकता हूँ। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे होता है, बहुत सारे आर्गुमेंट्स हम देते हैं कि भक्ति हम नहीं कर सकते इस मोमेंट में, लेकिन ये जो कंपैशन का हम बात करें, ये जेन्युइन कंपैशन है क्या? ये जेन्युइन कंपैशन नहीं है। तो और दूसरा एक, अगर सोसाइटी के दृष्टिकोण से कुछ एग्जांपल लेंगे, अगर कोई व्यक्ति कुछ पाप किया है, कोई अगर मर्डर किया है या कुछ किया है, चोरी किया है, तो अगर
उसका फिर रिजल्ट आया, मतलब कोर्ट में केस चला 5 साल 10 साल के बाद आया, और 10 साल आने के बाद फिर उनके बीवी रो रहा है मेरा हस्बैंड अगर चला जाएगा जेल तो मैं क्या करूँगा। तो कुछ मीडिया होता है कंपैशन जनरेट कर देते, अरे कैसे कैसे व्यक्ति के साथ ऐसे कर सकते हो, तो वो तो चला गया ना कब से कर दिया, लेकिन उनका वाइफ क्या करेगा, उनका बच्चा क्या करेगा। तो कहने का बात है ये जो कंपैशन है ये राइट कंपैशन नहीं है। कंपैशन को एक प्रॉपर तरीके से हमको देखना चाहिए, हर चीज़ में कंपैशन नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए एक श्लोक है बहुत पॉपुलर है, हम बोलते हैं कि अहिंसा परम धर्म, यही बोलते हैं ना अहिंसा परम धर्म, लेकिन उनका जो श्लोक है कंप्लीट हम नहीं बोलते, अहिंसा परम धर्म धर्मे हिंसा तथेहि वचः। अहिंसा करना चाहिए, अहिंसा मोस्टली हम फॉलो करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे धर्म को रक्षा करने के लिए हिंसा करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा, सही है कि नहीं। जहाँ पे हिंसा करने मतलब धर्म से रक्षा करने के लिए हिंसा करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा। तो ये है कंप्लीट श्लोक। तो ऐसा नहीं कि अहिंसा हमेशा ये फॉलो नहीं कर सकते। अगर कोई जा रहा है, आप आपके बहन के साथ जा रहे हैं या किसी के साथ जा रहे हैं, कोई कमेंट कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, तो आप बोलेंगे क्या अहिंसा परम धर्म, ऐसे नहीं बोल सकते और हमेशा ये फॉलो नहीं कर सकते। तो इसीलिए जहाँ पे धर्म को रक्षा करना चाहिए वहाँ पे हिंसा करना अगर पड़ रहा है तो करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला अर्जुन का जो आर्ग्यूमेंट था क्या है, कंपैशन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं एन्जॉयमेंट, बोल रहे हैं कि देखिए युद्ध में अगर जितने भी मेरा जो इधर प्रजा लोग हैं सब मर जाएंगे तो उसके बाद हम राज्य जीत गए, हमारे भाई लोग भी मर जाएंगे, उसके बाद एन्जॉयमेंट का क्या रहेगा, क्या एन्जॉयमेंट करेंगे। जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच जब चीयर अप चल रहा है तभी तो मज़ा आ रहा है ना, अभी तो चीयरिंग गर्ल्स भी हो गए, वो थोड़ा फतका फतका ये करके ये करें, जो क्लैपिंग हो रहा है ये हो रहा है, जब मैच जीत गए आपको कंधे में लेके घुमा रहे हैं तभी तो मज़ा आता है ना, नहीं तो मैच जीत गए और पूरा फील्ड खाली है कोई नहीं, आप घर जाएंगे ऐसे साइकिल चला के तो क्या फायदा है कुछ ये नहीं ना। तो ऐसे यहाँ पे जो मतलब हो रहा है तो अर्जुन को सोच रहा है कि ये तो सब होने के बाद क्या एंजॉयमेंट रहेगा। तो आप देखिए भक्ति में भी ऐसा ही होता है, तो हम जब भक्ति करना स्टार्ट करें, एक व्यक्ति यंग लड़का था तो मैं जब बेंगलोर में था वो भगवद गीता सुनने के लिए एक दो क्लास आया, उसके बाद नहीं आया। तो मैं फिर उनके फ्रेंड को पूछा क्यों नहीं आ रहा है, बोल रहा है अभी देखिए अभी वो बोल रहा है वो यंग है थोड़ा, मतलब लड़की लोग देखता है मज़ा आता है ये करता है, उसको लगा कि भगवद गीता सुनने के बाद मज़ा चला जाए तो फिर मज़ा क्या करेगा तो कहने का है कि हमको लगता है जब भगवद गीता सुन लेंगे तो फिर लाइफ में और कुछ मज़ा नहीं रहेगा, या नॉनवेज नहीं खाना पड़ेगा, इलिसिट सेक्स में नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं, या हम और क्या ये गैम्बलिंग या जो ये इंटॉक्सिकेशन ये सब नहीं कर सकते, तो एन्जॉयमेंट क्या रहा। जैसे प्रभुपाद जब मतलब फॉरेन कंट्री गए और ये रूल्स एंड रेगुलेशन बोले कि भक्ति करने के लिए ये करना चाहिए, तो उनको वो बोले देन व्हाट इज़ द लाइफ, तो उनके लिए यही तो लाइफ था उनके लिए यही लाइफ था कि हर दिन बस यही सब चीज़ करो, नॉनवेज खाते रहो, इलिसिट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते रहो और गैम्बलिंग करो, नशा करो, यही तो था। जब बोल दिए यही नहीं करना है तो बोले लाइफ फिर है क्या लाइफ ठीक है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हमको लगता है अरे भक्ति करेंगे तो फिर लाइफ तो बेकार हो गया और क्या रहा फिर करने के लिए। तो देखिए एन्जॉयमेंट का मैक्सिमम लोग इसीलिए ही भक्ति नहीं करते हैं, उनको लगता है भक्ति करना मतलब हमारा जो एन्जॉयमेंट का रेस्ट्रिक्शन दे देना। और बहुत लोग हम जैसे ये हैं तो उनको लगता है अरे कितना पागल व्यक्ति है यार, इतना यंग है एन्जॉय कर सकता है, क्या सुखा सुखा लाइफ जी रहे हैं ऐसे ही वो सोचते हैं, क्या लाइफ इनका लाइफ क्या है, बाहर खा नहीं सकते, इधर घूम नहीं सकते, शादी नहीं कर सकते, ये मतलब ऐसे सोचते हैं बहुत लोग। तो कहने का बात है कि हम बहुत टाइम भी भक्ति इसीलिए नहीं करते हैं कि हमको लगता है एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली भक्ति में एन्जॉयमेंट है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको लगता है भक्ति में एन्जॉयमेंट के। तो एग्जैक्टली देखिए अर्जुन ने जो सवाल कर रहे हैं, जो आर्गूमेंट दे रहे हैं हमारे लाइफ के साथ ये बहुत रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्या आर्गूमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं सिनफुल रिएक्शन, तो अगर मैं इतना लोगों को मार देता हूँ तो पाप तो होगा ना, पाप तो हो जाएगा, कैसे फिर इससे कैसे मतलब ये करेंगे, तो पाप होगा कि नहीं, क्या हो पाप होगा महाप्रसाद प्रभु, पाप नहीं होगा, होगा अच्छा पाप नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट देखे तो होगा ऐसा लगता है, पर ये महाराज की इंस्ट्रक्शन है, हाई अथॉरिटी का इंस्ट्रक्शन है, तो अच्छा धनवीर प्रभु भगवान नहीं बोल रहे हैं तो सही है। अच्छा क्या होगा, भगवान को तो पाप लगे। अच्छा तो देखिए यहाँ पे जो पाप का बात ये बोल रहे हैं, क्यों पाप लगेगा,
जब कृष्ण ने उधर हैं और कृष्ण ने बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो फिर पाप क्यों लगेगा? क्यों पाप लगेगा ऐसे सोच रहे हो? क्यों इतना लोग मर जाएंगे? मरना तो सबको पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि वो युद्ध में नहीं मरेंगे, मतलब कभी भी नहीं मरेंगे मरेंगे तो जरूर मरेंगे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से तस्मात परिहार्यते ना तुम सुचितम अर्हसि। जो जन्म हुआ उसका मृत्यु तो होगा ही सुनिश्चित, और जिसका मृत्यु हुआ तो जन्म होगा, इसमें चिंता करने का क्या बात है? और जब कृष्ण ने बोल रहे हैं कि युद्ध करो, अगर ये शरीर चला जाएगा कि हायर शरीर नहीं दे सकते हैं क्या? जब कृष्ण ने बोल रहे हैं कि सर जो मतलब परित्राणा साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी योगे योगे, तो विनाशाय दुष्कृतम, जब मैं विनाश करता हूँ असुर लोक, विनाश मतलब क्या? सोल को भी पूरा डिस्ट्रक्शन कर देता हूँ क्या? ये बॉडी को डिस्ट्रक्शन करके प्यूरीफाई करता हूँ, इसका इंटरनल मीनिंग तो यही है ना। जितने भी असुर लोगों को कृष्ण ने मारे हैं क्या किए हैं? उसको प्यूरिफिकेशन दिया, हायर लाइफ दिए हैं। ऐसा नहीं कि मार के एकदम पूरा आत्मा को पूरा विनाश कर दिया उनका एकदम, ऐसा नहीं है पूरा आत्मा को एकदम पूरा छिनविन कर दिया, ऐसा नहीं है तो देखिए दोनों तरह से मतलब फायदे में रहते हैं। कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं उसका भी फायदा होता है, और जिसके भक्ति करते हैं उनका भी फायदा होता है। तो जब कृष्ण ने उधर बोल रहे ये शरीर मर जाएगा, लेकिन वो तो फिर हायर लाइफ में जाएंगे, और पर्टिकुलरली देखें जो कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे थे, धृतराष्ट्र ने क्या बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब धर्म क्षेत्र जो है ऑलरेडी, सॉरी कुरुक्षेत्र जो है ऑलरेडी धर्म क्षेत्र है, क्योंकि धर्म का संस्थापना उधर है, कुरु राजा ने ये किए थे, ये ऑलरेडी उधर बोल दिए थे कि यहाँ पे किसी का अगर मृत्यु हो रहा है वो वैकुंठ प्राप्त होगा, क्योंकि वो यज्ञ किए थे उधर। तो जब ये है तो फिर मृत्यु हो जाना क्या बड़ा बात है? तो इस हिसाब से जो लोग मर जाए क्या बड़ा बात नहीं? एक्चुअली हम अगर स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से देखेंगे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको लग रहा है ऐसा, और जिसको समझ में ना, जब कृष्ण ने बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति अगर पाप को मतलब प्रोत्साहन दिए हैं तो उनको तो मारना पड़ेगा ना, इस हिसाब से कैसे पाप होगा? तो इसके हिसाब से जो कोई रेप किया उसको अगर फांसी दे रहा तो उसको भी तो बोलेगा, जो फांसी दे रहा उसको भी पाप होगा, उसको पाप होगा क्या? नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से हम अगर देंगे पाप नहीं है, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो पाप नहीं है, क्योंकि मृत्यु बहुत बड़ा बात नहीं। एक्चुअली हमको जो शरीर धारण करने के बाद ये जो आसक्ति है शरीर के लिए, हमको लगता है मृत्यु बहुत बड़ा बात है। एक्चुअली मृत्यु बहुत बड़ा बात नहीं, ये तो जस्ट ड्रेस के तरह, ये मृत्यु होने के बाद फिर दूसरा ड्रेस ले लेते हैं ना, तो मृत्यु एक्चुअली बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन हमको ये जो शरीर का बहुत अटैचमेंट है ना, इसीलिए मृत्यु के लिए बहुत भय लगता है। इसीलिए देखिए द्रोणाचार्य उन लोग एक्चुअली ये जो मृत्यु के उनका डर नहीं था, और इनको पता था पूरा एग्जैक्टली। देखिए द्रोणाचार्य को पता था धृष्टद्युम्न उनको ही मारने के लिए पैदा ही हुआ है, ठीक है ना, उनको मारने के लिए पैदा हुआ है, और धृष्टद्युम्न जब विद्या शिक्षा करने के लिए आ रहे हैं, द्रोणाचार्य उनको शिक्षा दे रहे हैं, क्या बात इधर हो रहा है? बोला आपको भी शिक्षा देंगे, आपको कैसे मारा जाएगा? हाँ आप तो पहले उनको मार देंगे, वो अगर आने से पहले आप कुछ लोगों को भेज के मार देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको पूरा प्योरली वो रियलाइज थे कि हम आत्मा है, हम एक्चुअली शरीर नहीं है। गलती होता है वो डिफरेंट बात है, लेकिन उनको रियलाइज नहीं, तो कैसे व्यक्ति कोई कर सकता है? जो मृत्यु करने उनको मारने के लिए पैदा हुए उनको फिर विद्या शिक्षा दे रहे, मतलब क्या बात हो रहा है? तो उनको ये चीज़ पता था, उनको रियलाइजेशन था, पता नहीं था रियलाइजेशन था, हमको तो पता है लेकिन रियलाइजेशन नहीं है, तो उनको उनको रियलाइजेशन था ये बात। तो बात यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो मृत्यु का बात हो रहा है ये बड़ा बात नहीं है, लोगों को एक्चुअली भगवद गीता पता नहीं, इसीलिए बहुत बड़ा बात लग रहा है। उनको अभी शरीर के साथ अटैचमेंट है, जितने भी सब रिलेशन वो शरीर के साथ देखते हैं, इसीलिए उनको कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं पा रहे, और कभी कभी कृष्ण को भी गाली देते हैं, अरे इतना बड़ा युद्ध करके इतना लोगों को कैसे मार दिया, इसे करने का क्या जरूरत? उनको पता नहीं एक्चुअली ये सब क्या है ना, सटल मतलब जो लॉजिक है, सटल लॉजिक, ये भगवद्गीता जब तक हम नहीं पढ़ेंगे इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इस दृष्टिकोण से पाप नहीं है ये। और जो लोग युद्ध करने के बाद धर्म का संस्थापना होगा, लोग जो भी रहेंगे अच्छे से रहेंगे, आनंद में रहेंगे, और जो लोग मर गए वो भी प्यूरिफिकेशन हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, तो फिर ये हो गया थर्ड। थर्ड के बाद फोर्थ आर्गुमेंट जो दे रहे हैं अर्जुन ने, इसको बोल रहे हैं फैमिली ट्रेडिशन का डिग्रेडेशन हो जाए। किस बेसिस पे? वो बोल रहे हैं कि देखिए जो युद्धा लोग हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मर जाएंगे, तो इनके जो वाइफ है या इनके जो कन्या होंगे, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई रहेंगे नहीं, तो जब इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई नहीं रहेंगे, तो ये भी हो सकता है दूसरा राज्य से
आके उनको मतलब उनके साथ इलिसिट रिलेशनशिप रखेंगे और उनसे बच्चा पैदा करेंगे। या ये भी हो सकता है, जब मतलब जो वुमेन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो ये भी डेविएट होने के चांसेस है। तो जब डेविएट हो जाएंगे और इलिसिट रिलेशनशिप से बच्चा पैदा होगा तो उनको तो कोई नहीं रहेगा ठीक से, जो कल्चर देने के लिए, जो फैमिली का ट्रेडिशन सिखाने के लिए कोई नहीं रहेगा ना। जैसे देखिए, कोई फैमिली में अगर सब संस्कार फॉलो हो रहा है, देखिए हमारा जो वैष्णव परंपरा में क्या है, हर चीज़ एक संस्कार है, मतलब सनातन धर्म में हर चीज़ एक संस्कार, विवाह संस्कार है। जब बच्चा पैदा करते हैं इसको गर्भधान संस्कार बोलते हैं, ठीक है। जब एटलीस्ट आप जब शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, गर्भधान संस्कार करना, ठीक है। गर्भधान संस्कार होता है, वैष्णव लोगों को खाना देते हैं, फिर प्रेयर होता है और उसके हिसाब से फिर उन लोग मतलब परमिशन लेते हैं उनके गुरु से, वैष्णव से, हम मतलब बच्चा पैदा करने के लिए जा रहे हैं, आप आशीर्वाद करिए, एक बात अच्छा बच्चा पैदा होगा, एक भक्त पैदा होगा। ये नहीं कर रहे इसीलिए सब असुर बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो माता पिता भी बहुत टेंशन रहते हैं, सोसाइटी टेंशन रहता है, सब टेंशन रहते हैं। तो देखिए, जहाँ पे इलिसिट रिलेशनशिप कोई कर रहा है वो क्या गर्भधान संस्कार करेगा क्या? वो तो नहीं करेगा ना। तो इसीलिए जो बच्चा पैदा होगा उसको प्रॉपर हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तो जब ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, फैमिली का जो ट्रेडिशन है उनको सिखा नहीं सकते हैं, तो फैमिली का जो ट्रेडिशन तो फॉलो नहीं हो पाएगा ना। जैसे देखिए, नॉर्मल कैसा है फैमिली का ट्रेडिशन, जैसे आप देखिए कोई पिंडदान करते हैं या कोई उनका फैमिली का ट्रेडिशन होता है, किसी का घर में दुर्गा पूजा बहुत मतलब ये में पुरुष में चलता आ रहा है, किसी का गणेश पूजा होता है, जो भी है, तो ये तो चलता आ रहा है। ये अगर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, पूर्व पुरुष जो है उनको पिंडदान नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, फैमिली का जो ट्रेडिशन वो ब्रेक हो गया और उनके जो पूर्वज हैं उनको जो पिंडदान नहीं दिया जा रहा था उनका भी फॉल डाउन हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि एक्चुअली युद्ध करना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब कृष्ण ने खुद बोल रहे हैं, प्रोटेक्शन देने वाला कौन है, या पिंड ये सब जो दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं? एक्चुअली पिंड का जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ का जो एंजर है कौन है? विष्णु है। जब विष्णु खुद कृष्ण उधर हैं बोल रहे हैं ऐसे करो, तो फिर सोचने का क्या ये है। जैसे आप देखिए, कोई बच्चा को मम्मी ने खाना दे रही है और वो स्कूल जाने के लिए फिर बॉक्स पैक कर रही है, तो बच्चा क्या कर रहा है, जो खाना दिया ना आधा खा के आधा रख दिया, तो मम्मी ने आके बोले कि अरे क्यों पूरा नहीं खा रहा, वो बोला नहीं नहीं मैं जो लंच में जाऊँगा ये तो लेके जाऊँगा ना, अरे मैं तो बॉक्स पैक कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ खाने के लिए, मैं तो ऑलरेडी आपके लिए रखा हूँ ना, आप चिंता करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा बात, तो जब कृष्ण ने बोल रहे हैं, जो सैक्रीफाइस, जो प्रोटेक्शन देने का जो बात है, जब कृष्ण ले रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमको बोलने की क्या जरूरत है। कोई अथॉरिटी आके अगर बोल रहे हैं अरे बेस में शिफ्ट हो जाओ, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी इधर रहेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, इधर हम प्रीचिंग कर दे, अरे वो जब बोल रहे फिर आप इधर रहने का क्या मतलब है। तो बात यहाँ पे है, जब मतलब कृष्ण उधर हैं और हम जो बोल रहे हैं वुमेन प्रोटेक्शन ये सब, जब कृष्ण प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है तब हम फिर बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, ये अगर कृष्ण ने नहीं बोल रहे फिर सोचने का बात है। और देखिए, यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल आता होगा, जो हम भक्ति का बात कर रहे हैं फिर पिंडदान, ये दुर्गा पूजा गणेश पूजा ये क्या क्या बात है। तो एक्चुअली भक्त को पिंडदान दुर्गा पूजा गणेश पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना है क्या? नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके घर में दुर्गा पूजा ये सब हो रहा है, आप जाएंगे धोती कुर्ता और सब तोड़ देंगे, क्या इधर कर रहे हो बेकार का चीज, क्या करना है? एक्चुअली देखिए, इसका लॉजिक है, एक्चुअली भक्त को नहीं करना चाहिए, भक्त को नहीं कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, आप अभी जनरेशन भक्त हो गए, लेकिन आपका बच्चा अगर भक्त नहीं हुआ तो एक तो भक्ति नहीं करेगा और आपका जो फैमिली ट्रेडिशन अगर आप पालन नहीं करें तो ब्रेक हो गया ना। आप अगर बहुत जन्म से आपका जो पूर्व पुरुष गणेश पूजा कर रहे थे, दुर्गा पूजा कर रहे थे या पिंडदान दे रहे थे, आप अभी नहीं दिए क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर जो कर रहा है उसके लिए जरूरी नहीं है नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो बच्चा हुआ वो भक्ति अभी फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर ये ट्रेडिशन तो ब्रेक हो गया, तो उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होगा। ये जो ट्रेडिशन है ये एक्चुअली हायर नहीं है, लेकिन इसका जरूरत भी है, नहीं तो वेद क्यों दिया। कर्मकांड का जो प्रोसेस है ये हायर नहीं है लेकिन ये जरूरत है। कर्मकांड प्रोसेस एटलीस्ट कोई व्यक्ति जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, लेकिन उसको एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके एंजॉयमेंट ले रहा है, वो चाहिए वो व्यक्ति को,
क्योंकि हर व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते ना, इसीलिए कर्मकांड प्रोसेस है। तो कर्मकांड प्रोसेस भी फॉलो होना चाहिए। तो इसीलिए जो व्यक्ति एटलीस्ट गृहस्थ लोग हैं उनके लिए जो ट्रेडिशन फॉलो होके आ रहा है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए तो और जो चैतन्य महाप्रभु पिंडदान तर्पण करने के लिए गए थे, नहीं तो वो तो नहीं कर सके, उनका कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन इसीलिए कर रहे थे कि सोसाइटी में वो फॉलो होगा, नहीं तो सोसाइटी का लोग फॉलो नहीं करेंगे। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने आके पूछा कि प्रभु जी, हम तो एक खंभा को भी पूजा कर सकते हैं ना, खंभा को पूजा कर सकते, यहाँ भी तो कृष्ण है। मैं बोला देखो, आप खंभे को पूजा कर सकते तब तो जान रहे हैं, आप अगर ये ट्रेडिशन को फॉलो कर दिए ना, बाद में क्या होगा, सब खंभा को लोग पूजा करेंगे। उनको तत्व पता नहीं एक्चुअली उसके अंदर कृष्ण है, लेकिन बोलेंगे खंभा को पूजा करना चाहिए। तो एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो इसीलिए तो जो गृहस्थ लोग हैं उनको जो फैमिली ट्रेडिशन ये है, जरूरी नहीं है उनके लिए, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये करना जरूरी है। पिंड तर्पण ये सब करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है प्रॉब्लम है, या ऐसे भी नहीं आप बोलेंगे कि पिंड तर्पण करने के लिए भक्ति छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपके गुरु महाराज आ रहे हैं, आप बोलेंगे मैं पिंड तर्पण के लिए मैं जा रहा हूँ, वो भी नहीं है। भक्ति को प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन इसको भी रखना चाहिए ऐसा टाइप का। तो इस हिसाब से और यहाँ पे जो अर्जुन ने बोल रहे हैं कि ये देखिए, अर्जुन जो आर्गुमेंट दे रहे हैं ये वेद का आर्गुमेंट दे रहे हैं, इधर उधर का बात नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है इधर उधर का बात बोले, उधर गया था चाय पी रहा था वो लोग बोल रहे थे, ऐसा नहीं बात कर रहा है। वो वेद का बात बोल रहा है, लेकिन वेद भी क्या है, तीन गुण का है ना, त्रैगुण्य निस्वेदा, हाँ तो तीन गुण का है। तो वेद जो है वो कुछ लोगों के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन जो ऑलरेडी भक्ति में कनेक्टेड जो कृष्ण के पास है वो बोलेगा वेद का वाक्य, और कृष्ण जिसका जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और कभी कभी देखिए, भक्ति में कनेक्टेड होने के बाद भक्ति का जो सिचुएशन है, कभी कभी देखेंगे आप बहुत द्वंद्व में पड़ जाएंगे कुछ डिसीजन लेने के लिए ना। अब देखिए दोनों साइड से, मतलब जो दोनों साइड से मतलब स्क्रिप्चर का फॉलो हो रहा है, जैसे देखिए डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हम दे सकते हैं, ये आप नहीं बोल सकते कि दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट, लेकिन आप इसको कौन सा चीज़ को लेना चाहिए, आप कभी कभी द्वंद में पड़ जाएंगे। आप कभी कभी फेस किए होंगे, बेस में रहने के बाद फेस किए होंगे। तो इस स्थिति में क्या है, जो लोकल अथॉरिटी है आपका, जो अर्ज जो लोकल अथॉरिटी है उनको पूछना चाहिए एक्चुअली इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जैसे देखिए आपके अथॉरिटी अभी बोले कि मैं पूरी आ रहा हूँ, आइए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बड़ा फंक्शन हम अरेंज कर रहे हैं, तो ये देखिए ये कोई भी चीज़ आप नहीं बोल सकते एकदम इनवैलिड है, लेकिन इस स्थिति में ये टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए। कोई भी चीज़ खराब मतलब रॉन्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका जो अथॉरिटी है, आपको ट्रेंड अप किया है, वो पूरी है, आपको बुला रहे। अथॉरिटी का बात छोड़िए, आपका गुरु महाराज अगर बुला भी रहे हैं और आपका मंदिर में उस टाइम में बहुत बड़ा फंक्शन है, तो उस टाइम में क्या होता है एक्चुअली, जो IDC कोर्स ये सब में हम देखें, लोकल अथॉरिटी जो है उनके परमिशन लेना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि उधर जो आपका जो प्रेजेंस है ना, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। तो आप अगर चले जाएंगे उधर प्रोग्राम होना मुश्किल हो जाए, आप तो नेक्स्ट ईयर फिर जा सकते हैं गुरु महाराज के प्रोग्राम में। तो ऐसे टाइप का सिचुएशन भी होता है। तो इस स्थिति में एक्चुअली जो लोकल अथॉरिटी है उनसे कंसल्ट करना जरूरी है, और जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से एकोमोडेट करना सही है। तो इस हिसाब से जब कृष्ण ने उधर प्रेजेंट है और ये जो वाक्य बोल रहे, यद्यपि ये मतलब वेद के शास्त्र के हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी कृष्ण जो बोल रहे हैं ये बहुत हायर है, क्योंकि कृष्ण टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बोल रहे हैं, तो उसको लेना चाहिए। और उसके बाद ये हो गया, फर्स्ट चैप्टर इधर ख़त्म हो जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ख़त्म होने के बाद फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है, और सेकेंड चैप्टर में अर्जुन ने लास्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छा में तुम धर्म से मूढ़ चेता ए त्रिश्रेय सुनिश्चितम ब्रूहितान में शिष्यस्ते अहम साधिमम प्रपन्न। वो बोल रहे हैं ड्यू टू कन्फ्यूजन और माइजरली अटैचमेंट, मैं एक्चुअली डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। कृष्ण मैं आपके शरण में जा रहा हूँ, आपके शिष्यत्व ग्रहण कर रहा हूँ, तो मुझे इस हिसाब से कि बोल रहे हैं कि मैं तो यही बात आ गया कि जो मैं बोल रहा था, जब कन्फ्यूजन आ जाता है, कोई सिचुएशन आ जाता है, तो आपके लोकल अथॉरिटी से बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन ने एक बहुत बड़ा चीज़ की है कि देखिए, कृष्ण उनके फ्रेंड थे, सखा थे ना, फ्रेंड मतलब एक कम्फर्ट जोन, फ्रेंड मतलब कम्फर्ट जोन। क्या होता है, आप चाय पीने के लिए जाते हैं
थोड़ा लड़की देखते हैं ये करते हैं। ये तो होता है ना। और कृष्ण अर्जुन भी यही कर रहे थे, कृष्ण अर्जुन का ये नहीं कर रहे थे क्या? करते थे ना, नहीं करते थे क्या? एक इंसिडेंट बताए, कृष्ण अर्जुन भी गए थे नदी के किनारे, थोड़ा लड़की वड़की देखे, ये भी किए देखे किए कि नहीं पता नहीं। जो कालंदी है जो गए थे ना कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण ने बोल रहे अर्जुन थोड़ा देख के ये सुंदरी लड़की कौन है, थोड़ा पूछ तो लो नदी के किनारे क्या कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं फ्रेंड सर्कल में। हम जो करते हैं ना, हम कृष्ण के पार्ट है ना, तो ये टेंडेंसी हमारा भी है। जब चाय पीने के लिए जाते हैं हम देखते हैं कॉलेज के, अरे अच्छा अच्छा लड़की है इधर, तो ये टेंडेंसी कृष्ण से भी आया है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कृष्ण ऐसे नहीं, एक्चुअली उनको पता था कि ये जो कालंदी है एक्चुअली तपस्या कर रहे हैं मुझे शादी करने के लिए, तो इसीलिए अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन थोड़ा देख के आए तो ये कौन है सुंदर लड़की, इधर क्यों अकेले घूम रहे हैं, ये पता नहीं क्या आप लोगों को? अच्छा हाँ, तो बात ये है, तो रिलैक्स होता है फ्रेंड सर्कल में, रिलैक्स मतलब कंफर्ट जोन है। लेकिन अर्जुन अभी क्या किए, जो जब प्रॉब्लम आया कंफर्ट जोन से निकले, क्योंकि जब कृष्ण को बोल रहे आप मेरा गुरु हो, तो मतलब फ्रेंड को गुरु मानना मतलब कंफर्ट जोन से निकल के अभी डिफरेंट जोन में जाना। बहुत टाइम में प्रॉब्लम आता है कंफर्ट जोन में, लेकिन हमको कंफर्ट जोन से निकलना है। जो जो एनवायरनमेंट में हमको प्रॉब्लम आया है, वो एनवायरनमेंट में रह के आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। जो माइंडसेट में आपको प्रॉब्लम आया है आपको कि मतलब ये नहीं कर सकते, तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये है कि ऐसा ऐसा सब आर्गुमेंट दे रहा है। और दूसरा एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, एक तो कंफर्ट जोन से निकले, और दूसरा एक चीज़ है कि अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में रह के भी, इतना संघर्षपूर्ण मुहूर्त में रह के भी अर्जुन ने अभी डिसाइड किया कि भगवद गीता मुझे सुनना है, कृष्ण जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं मुझे सुनना है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम थोड़ी बहुत टाइम नहीं है, ये नहीं कॉलेज है, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र में है। अगर युद्ध क्षेत्र में रह के भी वो टाइम निकाल रहे हैं भगवद गीता सुनने के लिए, तो हम क्या टाइम नहीं निकाल सकते क्या? टाइम निकाल सकते हैं। और देखिए अर्जुन सुनने के बाद ये जो सुने 18 चैप्टर में अर्जुन ने क्या बोले, नष्ट मोह स्तुति लब्धा तत्प्रसाद अच्युतेज्य करिष्य वचनम तब। जो कृष्ण अर्जुन ने बोल रहे मैं कंफ्यूजन हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अभी 18 चैप्टर में बोल रहे आपके प्रसाद पाने के बाद मेरा जो मोह और जो स्तुति था ये विनाश हो गया था, मैं अभी रिगेन कर लिया, अब आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यही है, जब हम कृष्ण के इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, भगवद्गीता का सुनेंगे, ये जो आर्गुमेंट जो दे रहे हैं आर्गुमेंट को प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे, ठीक से समझेंगे, तभी फिर क्या होगा, हमारा युद्ध करना तो पड़ा। ऐसा नहीं कि उनको कृष्ण ने बोले आप चुप बैठो मैं युद्ध करके सब समाप्त कर देता हूँ, अब चुप बैठो, ऐसा नहीं, फेस करना पड़ा। लेकिन उनको अभी फेस करने के लिए ताकत आ गया, कैसे फेस किया जाता है। तो यही है भगवद्गीता, जब हम सुनेंगे आर्गुमेंट को प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे समझेंगे, तभी हमारा फेस करने का, हम नेगेटिव जो हमारा नेगेटिविटी है इसे ऊपर जाएंगे, और जो भी चीज़ें फेस करने के लिए ताकत आ जाएगा। तो लाइफ ऐसा है, भक्ति के लाइफ भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं आएगा, लेकिन हमको मिल जाएगा कैपेबिलिटी, इसको कैसे ज़्यादा फेस कर सकते, ये ठीक है। हरे कृष्ण।